तो वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की मौत के बाद नगर पालिका ने बॉडी को शव वाहन की जगह कचरा वाहन से पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दो युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने जब इस घटना को देखा तो तुरंत नगर पालिका को इसकी सूचना दी, जिसके बाद नगर पालिका ने शव ले जाने के लिए कचरा वाहन भेजा, जबकि उनके पास शव वाहन भी उपलब्ध है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी शशि कपूर गढ़पाले के द्वारा स्वच्छता शाखा प्रभारी वीरेंद्र चौरसिया को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। कल रात में धर्मसागर में बिजली गिरने से वहाँ पे सौ कुछ दुर्घटना हो गई थी, तो चूंकि कल रात में उनके द्वारा अन्य वाहन भेजा गया था, इसके संबंध में मेरे द्वारा उनको नोटिस भी जारी किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। निश्चित रूप से ये चूंकि ये बहुत ही सम्मान से जुड़ा हुआ मामला रहता है और बहुत ही सावधानी है, चूंकि पुलिस विभाग नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग सब समन्वय से काम करते हैं, तो इन सब चीज़ में हमारे तरफ से भी और हमारे कर्मचारियों की तरफ से भी समन्वय और सावधानी बरती जाएगी कि इस प्रकार की चीज़ें न आए, और यदि इस टाइप की चीज़ें होती तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।